Hey guys, welcome back to channel Wisdom Seed. दोस्तों, today in front of you all, I am रविंदर ओझा. Now, मैंने कम्युनिटी पोस्ट करा था जिसमें कि आप लोगों से पूछा था कि किस तरीके की वीडियोस आप लोगों को चाहिए, क्या आप लोगों के इश्यूज आ रही हैं. तो मैक्सिमम लोगों ने मुझे रिप्लाई करा था कि बीइंग ए स्टूडेंट उनको फाइनेंशियली काफ़ी दिक्कत आ रही है. तो कोई ऐसा तरीका बताने के लिए कि किस तरीके से आप लोगों को थोड़ा सा फाइनेंशियली स्टेबल हो पाए, या जिसको हम कहते हैं कि अपना खर्चा आप खुद उठा सकें. तो यहाँ पे कुछ मेरे पास पॉइंट्स हैं इन दिस वीडियो विच आई एम गोइंग टू डिस्कस, जिससे कि होपफुली आप लोगों को काफ़ी अच्छी कुछ नॉलेज मिलेगी एंड आप लोग भी कुछ ना कुछ कर पाएंगे अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज. एक्चुअली क्या होता है कि जब स्टडी आप कर रहे होते हो या कोई भी काम आप कर रहे होते हो, तो वहाँ पे मोटिवेशन बहुत ज़रूरत होती है. उसकी मोटिवेशन अगर आपके पास में नहीं है तो कोई भी काम आप नहीं कर सकते हो. तो सबसे पहले तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आपके अंदर में वो मोटिवेशन होनी चाहिए. तो मोटिवेशन अगर आपके पास में है तो कोई भी काम आप कर सकते हो. मैं आपको अगर थोड़ी सी अपनी स्टोरी बताना चाहूँ, तो व्हेन आई क्रिएटेड दिस चैनल, तो मेरे बहुत सारे दोस्त उन्होंने बोला कि नहीं यार, मतलब सही नहीं है थोड़ा सा. व्हेन आई अपलोडेड माई फर्स्ट वीडियो, तो मेरी पहली वीडियो बहुत बेकार थी. लेकिन धीरे धीरे मेरे पास कुछ एक्सपीरियंसेस हुए, मुझे कुछ और भी चीज़ों के बारे में पता चला एंड उसके बाद मैंने उसको इम्प्रूव करा. एंड टचवुड, आप लोगों का इतना प्यार मिला कि टुडे वी हैव कंप्लीटेड मोर देन 1 लाख फैमिली मेंबर्स, विजडम सी फैमिली मेंबर्स. तो ऐसी चीज़ें होती है, अगर आपके पास में कोई मोटिवेशन नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो मोटिवेशन होनी चाहिए. मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है. और सबसे बड़ी बात यह ना कि अच्छा लगता है. जैसे कि जिस टाइम पे जो मेरे दोस्त थे वो बोलते थे उस टाइम पे कि यार अच्छा नहीं है, मत किया करो ऐसा, वीडियोस अच्छी नहीं होती तुम्हारी, तो कोई फ़ायदा नहीं तुम्हारे बनाने का. बट स्टिल आई कंटिन्यूड एंड मैंने उस ग्रेजुअली इम्प्रूव करा. आज का टाइम ये है कि जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं तो दे अप्रिशिएट मी फॉर माई एफर्ट्स. तो आप लोगों के साथ में कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो कि आपको भी बोलते होंगे, या कोई भी कोई ना कोई ऐसा पर्सन होता है जो कि आपको बोलता है कि नहीं कर सकते आप, मत करो ऐसा. जैसे कि आप लोग सीए कर रहे हो, सीए तो बहुत बड़ी एक जर्नी है, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो कि बोलते होंगे कि यार मत करो, बहुत टाइम लगता है. लेकिन जब आप बन जाओगे ना, बनने के बाद जब वो लोग बोलेंगे कि यार बहुत, मतलब तूने मेहनत करी एंड आई अप्रिशिएट, तो आपको एक अंदर से इतनी अच्छी खुशी आएगी ना कि उस टाइम पे आप सोचोगे कि यार बहुत अच्छा करा मैंने. तो ये चीज़ आप एकदम ध्यान में रखो और उसको लेकर के आप अपना जो गोल है ना उसको आप सेट करो कि वो जो टाइम होगा ना उस टाइम को आप याद करो कि जो आप सीए बन जाओगे या जो आप कर रहे हो काम, जो भी काम आप कर रहे हो उसको जो आप अचीव कर लोगे, उसके बाद जो आपके लोग बोलने वाले थे, जो कि आपके एक्सपेक्टेटर्स थे, जो कि बोलते थे कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, वो खुद तुम्हें देख करके जब मोटिवेट हो जाएंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा. तो सबसे पहली बात तो ये मोटिवेशन है. अपार्ट फ्रॉम दैट, अब ये सारी बातें छोड़ करके पॉइंट पे हम आते हैं. यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट निकल के आता है ये आता है ट्यूशंस का. अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो बहुत, मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं बेसिकली यही काम करते हैं, मोस्टली ट्यूशंस पढ़ाते हैं. तो या तो आप किसी कोचिंग सेंटर में आप जाकर के पढ़ाओ, या अपने घर पे स्टूडेंट्स को आप बुला करके पढ़ाओ, या तीसरी चीज़ ये भी होती है कि होम ट्यूशंस आप पढ़ाओ. होम ट्यूशन का मतलब क्या है कि एक स्टूडेंट होगा, आपको उसके घर पे जाना होगा और आपको उसको पढ़ाना होगा. मींस यू आर गिविंग सर्विसेज टू दैट स्टूडेंट एट देयर होम प्लेस. तो दिस इज कॉल्ड होम ट्यूशंस. तो सबको कोचिंग ट्यूशंस में जगह तो नहीं मिल पाती है. अगर आपके पास में कोई डिग्री है या कोई जान पहचान है तभी आपको किसी कोचिंग सेंटर्स में आपको जगह मिल पाती है, जो कि बेसिकली होता ही ऐसा है. लेकिन अगर आपके पास में थोड़ी सी अच्छी स्किल्स है, आपको अच्छा आपके सब्जेक्ट्स में अगर आपको नॉलेज है, तो आप डेफिनेटली होम ट्यूशंस पकड़ सकते हो. होम ट्यूशंस किस तरीके से आपको पकड़ना है ये भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा. हालांकि जब मैं भी स्टडी करता था उस टाइम पे भी मैंने होम ट्यूशंस पढ़ा रखे हैं. तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस तरीके से स्टूडेंट को कॉन्टेक्ट करना है और किस तरीके से उनको रीच करना है. आपको आइडियाज वैसे कोई शेयर नहीं करता, बट नो प्रॉब्लम एट ऑल, मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ. आप अगर आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी इंप्रूवमेंट होती है उससे, तो डेफिनेटली आई डोंट हैव एनी इश्यूज. सबसे पहली बात, किस तरीके से आप कॉन्टेक्ट करोगे. जैसे कि मैं करता था, मैंने कुछ पैम्पलेट्स बनवाए थे. पैम्पलेट्स में जो भी सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाता हूँ तो मैंने उसको लिखवा दिया था. पैम्पलेट्स अगर किसी भी आप प्रिंटिंग की शॉप पे जाएं तो वहाँ पे आप सिंपली पैम्पलेट्स आप बनवा सकते हैं. तो फ्रंट एंड बैक दोनों साइड में पैम्पलेट्स आप बनवा करके अपना कॉन्टैक्ट नंबर और नाम वहाँ पर लिख करके, इसमें कोई फ्रॉड नहीं करना है कि आप कुछ भी आप लिख दो, ऐसा आप लोगों को कुछ नहीं करना है. क्योंकि बींग ए टीचर एक काफ़ी रिस्पॉन्सिबल जॉब होती है, तो आपको जो भी चीज़ें हैं अच्छी तरीके से लिखना है. जो आप पढ़ा सकते हो वही चीज़ आपको लिखनी है. देन जो भी आपके एरिया के आसपास में न्यूज़पेपर वेंडर्स होते हैं, तो मॉर्निंग में उनकी गाड़ियाँ आती हैं जैसे कि 4-5 बजे के आसपास में,
तो आप लेकर के जो भी पेपर्स हैं, जो पैम्पलेट्स हैं, आप लेकर के वहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूट करा सकते हो। आप जाकर के उनको दे देना होता है बस, और वो अपने पेपर्स में लगा देंगे। जो घरों तक पहुँचेगा जो पेपर्स, तो वहाँ से आपको कॉल्स आ जाएंगी। तो ये तो डायरेक्टली हो गया कि जो भी पेरेंट्स हैं डायरेक्टली आपके साथ में कॉन्टेक्ट करेंगे, और जो भी आपके चार्जेस वगैरह वगैरह हैं आप उनसे डिस्कस कर सकते हो। और एक बहुत ही अच्छा एक सोर्स होता है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ मेट्रो सिटीज़ में, जैसे कि दिल्ली में, तो दिल्ली में अच्छे अच्छे चार्जेस आपको मिल जाते हैं। बीइंग ए स्टूडेंट, अगर आप किसी छोटे क्लासेस के बच्चे को अगर आप पढ़ाते हो तो 6-7 हज़ार रुपये महीने के भी आपको मिल सकते हैं। अगर किसी बड़े क्लासेस के बच्चे को अगर आप पढ़ाते हो तो आवरली बेसिस पे 500 रुपीज़ पर आवर, 1 घंटे अगर आपने पढ़ाया एक दिन, तो 500-700 रुपये, 1,000 रुपये तक भी कुछ पेरेंट्स जो कि पे करते हैं। तो अच्छा खासा आप रेवेन्यू वहाँ से भी जनरेट कर सकते हो, और कुछ हद तक जो भी आपकी एक्सपेंसेस, जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, वो आप वहाँ से निकाल सकते हो। तो ये तो बात रही होम ट्यूशंस की। इसके अलावा अगर हम बात करें और भी चीज़ें, जैसे कि रिटर्न फाइलिंग, हालांकि इसका सीज़न होता है, जैसे कि अभी जिस टाइम पे मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, ये टाइम है रिटर्न्स फाइल करने का। नॉट लिविंग योर जॉब, बट हाँ, अगर आपको टाइम मिल सकता है जॉब के अलावा तो आप कर सकते हो इन सारी चीज़ों को। हालांकि ये सारी चीज़ें आईसीआई ने अलाउ नहीं कर रखी हैं, ये सारे काम, जैसे कि अगर आपकी छुट्टियां हैं संडे सैटरडे, अगर आपके फॉर्म्स में छुट्टी है सैटरडे संडे को, तो उस टाइम पे आप कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कि आपके जो भी छुट्टियां मॉर्निंग में 10 बजे से पहले, या अगर हम बात करें 6 या 7 बजे के बाद, जो कि फॉर्म से जैसे आप लीव लेते हो, उस टाइम पे आईसीआई भी अलाउ नहीं करता, तो आपको उस टाइम पे ये काम नहीं करना है। बट अगर आपके पास में टाइम है, इनफ टाइम है, जैसे कि सैटरडे संडे अगर आपकी छुट्टियां होती हैं, तो उस टाइम पे भी आप काम कर सकते हो। रिटर्न फाइलिंग हो गई, देन अगर हम बात करें जीएसटी की, रिटर्न फाइलिंग हो गई, देन जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना हो गया, या किसी का कंपनी रजिस्टर करना होगा, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और भी चीज़ें, जैसे कि फ्रीलैंसिंग वर्क आप कर सकते हो। कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे कि freelancing.com, वहाँ पे अगर आपको अकाउंटिंग वर्क चाहिए, या अगर हम बात करें तो और भी कोई वर्क चाहिए, तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जो भी आपका वर्क है, जो भी आपकी स्किल्स हैं, तो वहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। और जो भी कॉन्टैक्ट पर्सन होंगे, जो भी वेबसाइट पे रजिस्टर होंगे, जिनको ऐसा वर्क चाहिए होगा, तो वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, और वेबसाइट उनका थोड़ा सा कुछ कमीशन लेती है, और दोनों का मैच हो जाएगा, आपको काम मिल जाएगा, और उस पर्सन का काम हो जाएगा, और वेबसाइट को थोड़ी सी रेवेन्यू इससे जनरेट हो जाती है। तो ये freelancing.com हो गया, या check.com, एक और भी वेबसाइट है check.com, तो यहाँ से भी कुछ ना कुछ रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हो। इसके अलावा जैसे कि अमेजोन एफिलिएट है, कुछ बुक्स अगर आपको अच्छी लगती हैं, कौन कौन से बुक्स आप पढ़ते हो, तो वहाँ से एफिलिएट लिंक आप जनरेट करके, और उसके बाद जो एफिलिएट है, एफिलिएट से भी आप कुछ ना कुछ अर्निंग कर सकते हो। इसके अलावा व्लॉग्स कुछ वेबसाइट्स अलाउ करती हैं उनकी वेबसाइट्स पे लिखने के लिए, अगर आपकी व्लॉग्स अगर आपको लिखना पसंद है, तो कुछ वेबसाइट्स हैं वेयर यू कैन राइट योर व्लॉग्स। आपको पर व्लॉग के कुछ ना कुछ पेमेंट्स मिल जाया करती हैं। जैसे कि कुछ व्लॉग्स राइटर्स होते हैं, पर व्लॉग का 500-700 भी चार्ज करते हैं। जैसे कि आप कुछ वेबसाइट freelancing.com पे ही आप देखोगे कुछ ऑप्शंस होते हैं, अगर आपको व्लॉग लिखना पसंद आता है, तो वहाँ पे भी आप खुद को रजिस्टर कर सकते हो। या कुछ वेबसाइट्स हैं वेयर यू कैन सबमिट योर व्लॉग, और अगर वेबसाइट को पसंद आ गया, तो पर व्लॉग के हिसाब से आपको उसके चार्जेस मिल जाया करते हैं। तो उस तरीके से भी आप काम कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अदरवाइज अगर आप चाहें तो आपकी खुद की वेबसाइट बना करके, और गूगल के एड्स उसमें अगर आप चाहें तो रन करा सकते हैं, उसको वेरीफाई करना पड़ता है गूगल से। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं वेर यू कैन वॉच एंड यू कैन गेट द नॉलेज ऑफ दैट। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं वेयर यू कैन जनरेट सम एक्स्ट्रा रेवेन्यू सोर्सेस। एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा, जैसे कि ये जो भी चीज़ें मैंने बताया, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में करने के लिए, वेयर यू कैन डू योर इनडायरेक्ट इनकम। जैसे कि शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, बट शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास नॉलेज है तो ही आप करना। तो दिस इज़ बेटर टू गेन नॉलेज प्रायर गोइंग फॉर द शेयर मार्केट। पहले आप अच्छी तरीके से उसकी नॉलेज आप गेन कर लो, किस तरीके से आपको एटलीस्ट बैलेंस शीट पढ़नी है, देन किस तरीके से आप लोगों को चीज़ें अगर आपको करना है तो शेयर मार्केट में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी है, या कौन सी कंपनी आप लोगों के लिए अच्छी रहेगी जिससे कि आपका पैसा कम डूबे। स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ पैसा डूबता ही है, नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर आपके पास में एक्सपीरियंसेस नहीं है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका पैसा डूब जाए। बट अगर पैसा आपका डूब जाता है, तो एटलीस्ट इतना हो कि आपके पास में इतनी नॉलेज हो कि आप उसको रिकवर कर लो, या थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ उससे आप जनरेट कर लो पैसे। तो ये कुछ चीज़ें थी। अब जैसे कि शेयर मार्केट की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने एक स्पेशल चैनल बना रखा है, जो कि बहुत पहले का चैनल है मेरा,
एंड वहाँ पे आई एम प्लानिंग टू क्रिएट सम वीडियोस वेयर दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर स्टॉक मार्केट. तो अगर आपको स्टॉक मार्केट की वीडियोस चाहिए तो आप डेफिनेटली वाला चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो. लिंक आपको मिल जाएगी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में. तो दोस्तों फिलहाल में ये कुछ चीज़ें थी वेयर यू कैन ट्राई. एंड आप मुझे बताइएगा कुछ आपके पास में और भी आइडियाज़ हैं या कुछ और भी शेयर करना चाहते हैं या वीडियो कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर कॉमेंट करके बताइएगा. थैंक यू सो मच. बाय बाय.